नमस्कार, यह सीवी पर इस समय के मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। स्कूल की लापरवाही के कारण बच्चों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। रोल नंबर ना मिलने पर बच्चे नहीं दे पाए परीक्षा। आपको बता दें कि 7 मार्च से 10वीं के सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। हर जगह बच्चे अपनी परीक्षा देने के लिए निर्धारित सेंटर में पहुंचे, लेकिन यमुनानगर में एक निजी स्कूल में बच्चों को रोल नंबर ना मिलने से बच्चे बोर्ड की परीक्षा नहीं दे पाए। स्कूल की प्रिंसिपल ने इस मामले में चुप्पी साधे रखी। वहीं बच्चों का कहना है कि हमें 8 बजे बुलाया गया था रोल नंबर के लिए, फिर 10 बजे का टाइम दे दिया और रोल नंबर ना मिलने के कारण हमने पेपर नहीं दिया। स्कूल में 35 बच्चों का पेपर था। यहाँ पर मैट्रिक में पढ़ता है स्कूल के अंदर। इन्होंने कहा था भी आपके बच्चे ये तस्वीर यहाँ से कराएंगे। आज पहला पेपर है बच्चे का, जबकि अब तक इनको रोल नंबर नहीं मिले। हमारे बच्चों के साल की मेहनत है वो ख़राब जा रही है। हम बड़े परेशान हैं, सारे पेरेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हैं अपने बच्चों को लेकर। सवेर से 3 दिन से हम परेशान हो रहे हैं पीछे, ना उन्होंने रोल नंबर दिया हमारे को। आज मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, अभी सवेर से हम यहाँ बैठे हैं भूखे प्यासे। हमारी भी तब कोई मतलब इनके सुनवाई नहीं है। अभी उनको अब ये कह रहे हैं अभी हम आपको परसों रोल नंबर देंगे। हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ से कोई डिसीजन आएगा फिर आपको पेपर देंगे और रोल नंबर देंगे। जबकि इन्होंने हमारे साथ पहले कहा था भी आपके जो रोल नंबर हैं विश्व भारती के थ्रू आपको पेपर दवाया जाएगा। जब भी आपकी विश्व भारती वाले को पेपर दे रहे हैं बच्चे, हमारे बच्चे फिर ऐसे कैसे बैठे हैं। हम सारे पेरेंट्स बहुत परेशान हैं, इसे हमारी से इसका हल निकाला जाए। कार्तिक, कौन सा पेपर था आज और कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? मैथ का पेपर था आज बोर्ड का और स्प्रिंग डेज पब्लिक स्कूल में। तो क्या पेपर आपने दिया, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? रोल नंबर पेपर हो ही नहीं पाया, रोल नंबर नहीं दिया हमें। रोल नंबर के बगैर पेपर हुआ नहीं हमारा, पता ही नहीं। अब कह रहे परसों देंगे रोल नंबर, हमें परसों बुलाया सारे पेरेंट्स को। स्कूल में कितने बच्चे हैं? 35। तो कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं इसमें? 13 लड़कियां हैं और बाकी लड़के सारे। इनमें से किसी ने नहीं दिया पेपर? किसी ने दिया। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए यस टीवी।